हेलो बच्चों एंड हेलो व्यूअर्स, मैं नरसिंह पंडा आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरे चैनल योमो ट्यूटोरियल्स में। बेसिकली यहाँ पे मैं मैथमेटिक्स के बारे में बच्चे लोगों को बताऊँगा और उन लोगों का जो भी डाउट रहेगा मैं क्लियर करूँगा। तो चलते हैं आगे और देखते हैं आज क्या सीखते हैं हम लोग। अभी हम लोग कुछ देखेंगे एग्जाम्पल्स, जिसमें कि हमें कुछ मैं यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस लिखूँगा और उसमें बताऊँगा कि मैं आइडेंटिफाई करूँगा कि उसमें कौन सा टर्म वेरिएबल है जो कि कांस्टेंट नहीं है, ओके। और उसका मैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है एक्स वाई प्लस फोर, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है 13 माइनस वाई स्क्वायर। थर्ड एग्जाम्पल है 13 माइनस वाई प्लस फाइव वाई स्क्वायर। लास्ट एग्जाम्पल है 4 पी स्क्वायर क्यू माइनस 3 पी क्यू स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो ये एक एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसका मुझे क्या क्या निकालना है, वेरिएबल टर्म निकालना है जो कि कांस्टेंट नहीं है और उसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल टर्म क्या होगा, एक्स वाई, यहाँ पे क्या होगा एक्स वाई, यहाँ पे वेरिएबल टर्म क्या होगा माइनस वाई स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर हो गया। यहाँ पर भी वेरिएबल टर्म क्या क्या होगा, एक ये होगा माइनस वाई और एक ये होगा प्लस फाइव ए स्क्वायर, तो क्या होगा माइनस वाई और दूसरा प्लस फाइव वाई स्क्वायर होगा। यहाँ पे वेरिएबल्स क्या रहेगा, ये एक रहेगा फोर पी स्क्वायर क्यू और एक है माइनस थ्री पी क्यू स्क्वायर, फोर पी स्क्वायर क्यू और एक है माइनस थ्री पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो एक्स वाई का मैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताऊँगा, तो एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई वन वो हो जाएगा एक्स वाई, इसका मतलब ही क्या है, वन इंटू एक्स वाई, तो यहाँ पे वन रहेगा उसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, ठीक है। सिमिलरली माइनस वाई स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर का मतलब क्या है, माइनस वन इंटू वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा माइनस वन, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो माइनस वाई, माइनस वाई का मतलब ही है माइनस वन इंटू वाई, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट माइनस वन होगा। प्लस फाइव ए स्क्वायर मतलब फाइव इंटू वाई स्क्वायर, तो फाइव इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। फोर पी स्क्वायर क्यू, इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या रहेगा, फोर रहेगा, ओके। माइनस थ्री पी स्क्वायर मतलब क्या है, माइनस थ्री इंटू पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर वेरिएबल है तो यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या रहेगा माइनस थ्री, ओके। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स और लिखता हूँ, जैसे कि 4x माइनस 3y, ठीक है, 8 माइनस x, ठीक है, y स्क्वायर x माइनस y, देन 2z माइनस 5xz, ये कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। इसमें हमको क्या करना है, ओनली फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ओके, फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब वेरिएबल है एक्स, ये एक्स वेरिएबल का हमें खाली कोफिशिएंट निकालना है। तो फर्स्ट वन में क्या होगा, फर्स्ट वन में देखो 4x है, x का कोफिशिएंट क्या रहेगा 4, सेकेंड में क्या रहेगा x का कोफिशिएंट माइनस वन, क्योंकि माइनस वन इंटू एक्स है माइनस एक्स, ओके। थर्ड में क्या रहेगा, यहाँ पे x वेरिएबल किसके साथ मल्टीप्लाइड हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है, प्रोडक्ट कौन सा है इसका, वाई स्क्वायर एक्स, तो इसका वेरिएबल क्या रहेगा, हमें न्यूमेरिकल वेरिएबल सॉरी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट अगर निकालना है क्या रहेगा वन रहेगा, क्योंकि वन इंटू वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स, तो अगर मुझे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकालना है
तो वो रहेगा वन। अगर मुझे न्यूमेरिकल को छोड़ के खाली कोफिशिएंट निकालना है, आइदर वो वेरिएबल कोफिशिएंट भी हो तो फिर वो रहेगा वाई स्क्वायर। अगर वेरिएबल कोफिशिएंट निकालना है तो वाई स्क्वायर रहेगा, अगर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकालना है तो वो वन रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 2z-5xz, तो इसमें एक्स का जो टर्म है, एक्स को जो वेरिएबल को लेके टर्म है वो क्या है, वो ये है -5xz। तो इसमें एक्स का कोफिशिएंट अगर मेरे को निकालना है तो क्या होगा, इसका मतलब ये कि ये जो टर्म है ये प्रोडक्शन किसका किसका प्रोडक्शन है, -5z × x, तो -5z रहेगा इसका कोफिशिएंट। ओके, अभी कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें मुझे निकालना है वाई का कोफिशिएंट। तो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो है 4x-3y 8+yyz, ओके, yz² + 5 my+m। इसमें मुझे y का खाली निकालना है कोफिशियंट। ठीक है, तो इसमें y का कोफिशियंट क्या होगा, ये एक टर्म है तो इसमें y का कोफिशियंट क्या होगा, -3। ये एक टर्म है तो इसमें y का कोफिशियंट क्या होगा, z। ये एक टर्म है इसमें y का कोफिशियंट क्या होगा, z². ये एक टर्म है इसमें y का कोफिशियंट क्या होगा, सॉरी m। ठीक है, तो आप लोग अभी सीख गए होंगे कि कोफिशियंट और फैक्टर क्या होता है। कोफिशियंट फैक्टर मतलब क्या होता है, फैक्टर होता है फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद ही एक टर्म बनता है। जैसे कि एक -3y एक टर्म है, तो -3y में -3 एक फैक्टर है, y भी एक फैक्टर है, लेकिन -3y में ये -3 को ही हम बोलते हैं क्या, न्यूमेरिकल कोफिशियंट। ओके, और इसमें वेरिएबल कोफिशियंट क्या है, y। ओके, तो हमें न्यूमेरिकल कोफिशियंट और वेरिएबल कोफिशियंट क्या है वो पता चल गया, फैक्टर क्या है वो पता चल गया, टर्म्स क्या है वो पता चल गया, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है वो भी पता चल गया। ओके, अभी और एक एग्जांपल देखते हैं। 4x+10-5z, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें आपको बोला गया है फाइंड आउट द टर्म्स। ओके, तो टर्म्स क्या 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 होगा, इसमें टर्म्स होगा एक 4x, एक होगा +10 और एक होगा -5z। ठीक है, ये तीन टर्म है, 4x+10-5z, जिसमें कि वेरिएबल है, वेरिएबल टर्म्स कौन सा है, 4x है वेरिएबल, -5z भी है वेरिएबल। ओके, और +10 जो है वो है कांस्टेंट। ठीक है, अभी बोला जाएगा कि 4x में क्या क्या फैक्टर है, 4x में फैक्टर्स है क्या क्या, एक है 4 और एक है x। -5z में फैक्टर क्या क्या है, एक है -5 और एक है z। अभी आपको बोला जाएगा कि 4x+10-5z में x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x का कोफिशिएंट निकालने के लिए पहले तो x का जो टर्म है वो उसको निकालना पड़ेगा। तो x का टर्म इसमें क्या है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x का टर्म क्या है, 4x है, तो 4x में x का कोफिशिएंट क्या होगा, 4। ठीक है, अभी ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको बोला जाएगा कि फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ जेड, तो पहले तो हमें टर्म फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जेड का टर्म क्या है, तो जेड का टर्म है -5z, तो इसमें जेड का कोफिशिएंट क्या होगा, -5। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए, और मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल का नाम है योमो ट्यूटोरियल्स, और अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे मेल के थ्रू भी बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।